है कि जिसके ऊपर पकड़ होती है वो सऊदी किंग को बीच में ले आता है, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बीच में लेके आता है, और अगर दोनों कारगर साबित ना हो आराम से ब्रीफ केस और बस्ता उठाता है, या दुबई में बैठ जाता है या लंदन में बैठ जाता है। तमाम के तमाम एसेट्स जो हैं, जिनको हम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एसेट्स कहेंगे, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के, जिनके नहीं है वो बिल्ड कर रहे हैं और जिनके मौजूद हैं वो उससे इस्तफादा करते हैं, ये इस मुल्क में रहेंगे नहीं, किसकी अकाउंटेबिलिटी की आप बात? देखे, बच्चे देखे, बाहर, देखे, किसी पैसे पर बात नहीं बाहर, है। नहीं, बिजनेस नहीं, देखे, बाहर, देखे, बात बात सब बड़ी कुछ तो सीधी मुल्क से बाहर है। मुझे बताएं इनका स्टेक मुल्क में क्या है, मुझे बता देना। स्टेक हर एक से पूछा जाए तुम्हारा क्या स्टेक है, मैं तो लीडरशिप की बात कर रहा हूं। लीडरशिप से पूछा जाए, लीडरशिप असेंबली में बैठती है ना, उनसे पूछा जाए, उनको जस्टिफाई करना चाहिए। मुल्क से बाहर असासे बनाना हमारे कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको डिक्लेयर ना छुपाना, करना जी खिलाफ है ना बिल्कुल, जनाब, उनको ये हमने छुपाना डिक्लेयर जो क्यों है वो करी? कानून के खिलाफ है, और उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है, आपके पास टैक्स के लॉज हैं, आपके पास टैक्स की अथॉरिटीज हैं, मूव करें, और कौन सबसे मूव पहले करेगा? एमएलए के खिलाफ मूवमेंट होनी चाहिए। कौन मूव कौन करेगा? मूव करेगा कि आप तो जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे अगर सारे नहीं मामले करेंगे पर, तो फिर भुगतना पड़ेगा, इस्तेहकात नहीं मंजूर होना भुगतना पड़ेगा। पड़ेगा, हमें आप बाहर बजाय चले जाएंगे। मैं बता बजाय बजाय रहा हूं, एनआरओ के, बजाय एनआरओ टू के, एनआरओ की जगह आपको इस पे एम्फसाइज कौन करना करेगा चाहिए। जी? नहीं नहीं, मैं जी यहां पर कोर्ट असेंबली करेगी, आप कुछ शुरू करें ना जी। हम आप तैयार तो, हैं, हम तो सबसे मैंने तो आगे। नहीं सुना कभी। देखिए आपने पहली एनआरओ की बार मुखालफत तो करते हैं, आज उसके आगे कोई नहीं जा आज रहा। पहली दफा ये डिबेट मैंने देखी है, और ये बड़ी अच्छी डिबेट है। मैं तो बड़े अरसे के हक में हूं, तो आज वक्त है कि दोनों जमातें मिलकर एनआरओ को छोड़ें। एनआरओ एक एग्जेम्पशन का लॉ है, एक प्रोटेक्शन का लॉ है, वो करप्शन को छुपाने का लॉ है, उसको छोड़ दें। नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं, आप दिस आप इज रॉन्ग। आप आप भी आप मुझे बात रहे थे, आप बात कर रहे थे, हो आप अपने वक्त पे बात कर लें। अब वक्त ये है कि हमें अवाम के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा, और पेश करने का एक तरीका है कि हम सदर हो, वजीर आजम हो, अपोजिशन के लीडर हो, एमएनए हो, जो भी हो, सबसे पहले ये कानून अपने ऊपर लागू करें कि अगर मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरे कहां असासे से हैं, आया? उनको जस्टिफाई करना जस्टिफाई पड़ेगा। करें कहां अपना, से आई, क्योंकि कहां से आई, ये सवाल है। ये ओनस होना चाहिए उस आदमी पर जो वो लाइफस्टाइल गुजार रहा है, ना कि आप जी कह के प्रूफ करें हमारे खिलाफ कि जी, आप क्या बिल्कुल खासे। एग्जैक्टली देखिए, ये करप्शन हमारे मुल्क में ऐसी होती है जहां जो पैसे रिश्वत देने देखे, रिश्वत आप, देने आप, वाला आप भी फायदा ऐसा, उठा रहा है, रिश्वत लेने वाला भी फायदा।